अस्सलामु अलैकुम ख्वातीनो हज़रात, दिस इज़ डे टू ऑफ आर ट्रेनिंग सीरीज़। और मैं इस वक्त हैदराबाद में ही हूँ, अपने होटल में ही हूँ। आई एम सॉरी, पीछे से आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है जनरेटर की। तो खैर, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकल रहे हैं मीरपुर खास के लिए। मीरपुर खास की ट्रेनिंग को इंशाल्लाह आज डन कराएंगे और रात के कुछ प्लान हैं, आपको मैं आगे बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और मैं नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। और नाश्ता जैसे ही आता है तो नाश्ता करते हैं और जो है वो निकलते हैं जी। नाश्ता आ चुका है, चाय पराठा और ऑमलेट। जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। चलें हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज हुए है। चलें जी, निकल चुके हैं मीरपुर खास के लिए विद वन एंड ओनली शामिर साहब। शामिर साहब रास्ते में नाश्ता कराते हैं, कराते भी देखते हैं अच्छी जगह मिल जाए। अच्छी जगह पहले तो एटीएम मिल जाए, दोनों के पास पैसे नहीं है। जितने भी दरख्त आपको नजर आ रहे हैं सारे आम के बाग हैं। मीरपुर खास टूअर्ड मीरपुर खास, और आपको पता ही मीरपुर खास आपके इंटीरियर में मीरपुर खास भी है, सक्कर भी है, सक्कर को भी आम आता है। इंटीरियर में सबसे ज्यादा जो है वो आपके मैंगो कंप्लीट हो गई है। आइडियाज मीरपुर खास पे और ये सारी टीम है हमारी। और टीम जरा बताना कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सारे कवर हो गए इस पे? ओके जी, थैंक यू। अच्छा, हम बैठे हुए कहाँ पे बैठे हुए? रेस्टोरेंट का नाम क्या? मिर्च 360। यार रोल तो हमने रगड़ दिए, बहुत जबरदस्त बने हुए थे। और ये शामिर भाई ने बिरयानी मंगवाई है, और बिरयानी प्रेजेंटेशन सबसे पहले चेक करें आप। आला यार, इसके अंदर प्रॉपर यार, मतलब मसाले। अच्छा, इसको ये अभी मटके से निकाल के पहले ये ट्रे में सर्व करेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से करेंगे। वो प्रॉपर खाली करने वाला सीन। ये चिकन है मटन है? चिकन। अच्छा, ये हांडी फिर फारिग हो जाती है ना, ये टूट गई है। अरे, ये हांडी फिर रीयूज करते हो या बस? नहीं, बस अभी नहीं है, टूट गई। ये चिकन होती है या आपके पास मटन भी होती है? चिकन है, मटन है, वेजिटेबल। अब आपको ट्राई करके दिखा देंगे, एक बिरयानी का बनाते हैं। फिर अच्छा है, कराची वाली बिरयानी की टक्कर में नहीं है। लेकिन टेस्ट कराची है ना, टेस्ट अच्छा है, बिरयानी के हिसाब से बहुत अच्छी है यार। बिरयानी अच्छी है, नो डाउट। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, फ्लेवरफुल है, सेवरी है। तो आप भी ट्राई करके बताएंगे कैसे रिव्यू है। अप्रूव्ड है।
अच्छा, हम यहाँ पे रुके हैं मीरपुर खास टू हैदराबाद। रास्ते में जो है यहाँ पे जगह जगह पे बैठे हुए हैं फ्रूट्स वाले। तो यहाँ पे क्योंकि इस वक्त मैंगो का सीज़न है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्रेश मैंगो सबको मिल जाएंगे। तो शामिल जो है इस वक्त मैंगोज ले रहे हैं, और अरुण कौन सा है क्या आता है तो उसको पूछते हैं कि क्या चीज़ है। रात के बज रहे हैं 2। मैं इस वक्त हैदराबाद हालाना का अयूब होटल की तरफ आया हुआ हूँ। सखर के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह, और बस आने में थोड़ा सा टाइम है, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए जो है ये यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है बट कढ़ाई के नाम से मशहूर है, चाय शाय पीते हैं और फिर जो है सखर के लिए निकलते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ बट कढ़ाई रेस्टोरेंट पे, जो कि हालानाका पे वाकई है। हालानाका हैदराबाद हाईवे के ऊपर जो है ये रेस्टोरेंट है। मैं निकल रहा हूँ सखर के लिए। रात के बज रहे हैं तकरीबन 2:30 बजे हमारी जो है वो बस आनी है। फैसल मूवर की हमने टिकट ली है, और फैसल मूवर से हम इंशाल्लाह सखर जाएंगे। 5 to 6 hours का ये जर्नी है इंशाल्लाह, और सुबह तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और फिर अपने होटल में वहाँ जाके चेक इन करेंगे। सारा कुछ रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन। तो वहाँ पहुंचते हैं चाय शाय के लिए रुके में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो चाय पी के जो है वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह निकलेंगे और फिर आगे आपको गाइड करेंगे। रात के 2 बज रहे हैं और रेस्टोरेंट का सीन कुछ इस तरह का है। किचन हाउस सामने, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पकवान बन रहे हैं, या कढ़ाई बन रही है सामने, कुछ शेक्स और जूसेस बन रहे हैं। यहाँ पे ये खूबसूरत सा जो है वो पानी का वाटर फाउंटेन बना हुआ है। अच्छा सा माहौल है, फैमिलीज के साथ लोग यहाँ आ सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सेटअप इन्होंने किया हुआ है, रेस्टोरेंट अमेजिंग। ग्रेट जॉब। आई थिंक ऊपर बैठने की भी जगह है, ये कराची में कोलाची की तरह, कबाब जीज की तरह इन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वही चाय आ चुकी है खूबसूरत से प्याले में, चाय पीते हैं, और थोड़ी सी नींद भी आ रही है तो नींद को थोड़ा सा भगाते हैं और चाय पीते हैं और चलते हैं। बस आ चुकी है, बस में चलते हैं और निकलते हैं सखर की तरफ। सीट नंबर 9 है, ये मेरा बैग रखा हुआ है, यहाँ पे सेट करते हैं अपने आप। बस हम निकलने लगे हैदराबाद से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर। ऑलराइट, तो रूम में मैंने चेक इन कर लिया है और आपको रूम का जरा कोई टूर करवाते हैं। बिल्कुल, ये आपके सामने रूम है, और इफ आई कैन शो यू, ये ट्विन बेड वाला रूम थोड़ा सा बड़ा था तो इस वजह से आई जस्ट सिलेक्टेड दिस वन।
साथ में यहाँ पे छोटी सी डेस्क है एज यू कैन सी, साथ में यहाँ पे कॉफ़ी और चाय का कुछ इंतज़ाम है, साथ में केटल रखी हुई है, पानी का बॉटल है और यहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, टेलीविज़न लगा हुआ है और बेसिक सी चीज़ें हैं। ये इसका यहाँ का वॉशरूम है, सिंपल सा वॉशरूम है, नथिंग वेरी फैंसी बट चलो अच्छा है रूम, इट्स क्वाइट ओके। ऑलराइट, तो हमने चेक इन कर लिया है, फाइनली ऑल सेटल्ड इन, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। इनका ब्रेकफास्ट जो है एक दिन का कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज आई एम स्टेइंग फॉर वन डे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसका ब्रेकफास्ट जो है मैं अवेल कर लूँ। मैंने थोड़ा जल्दी चेक इन किया है, कल थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो इसलिए आई थिंक आइडियली ब्रेकफास्ट का कल मौका नहीं मिलेगा, तो आज चलते हैं और चेक करते हैं क्या क्या वैरायटीज इनके पास मौजूद है, जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आके थोड़ा काम करेंगे और जो है वो उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो निकलते हैं और देखते हैं क्या अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है और इसमें ऑमलेट है, मैंने एप्पल लिया है, ये टोस्ट लिया था, साथ में मैंने बटर लिया था और ये उन्होंने मुझे फ्रेश बना के दिया था, इट्स रियली गुड, क्योंकि वो जो रखा हुआ था बुफे में वो इतना फ्रेश नहीं था, ठंडा हो रहा था, तो दैट्स वाई आई आस्क्ड देम टू मेक अ फ्रेश वन, सो इन्होंने बना के दिया। और ऑप्शन दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल हैं, चलें आप मेरे साथ। ब्रेकफास्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट टी, तो चाय आ गई है, चाय पीते हैं और चलते हैं। भाई जान ब्रेकफास्ट हो चुका है, गोइंग बैक टू द रूम और अभी थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। कोट मेरा वापस आ चुका है, कोट जो है वो लॉन्ड्री नहीं है, रूम में चलते हैं। होम स्वीट होम, रूम में हम आ चुके हैं। ऑलराइट जी, तो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक मैसेज शेयर करना चाहूंगा और वो मैसेज ये है कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी देखा आई एम श्योर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत जगहों पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आई हैव कम्प्लीट आइडिया ऑफ दैट, आई नो कि बहुत सारी जगहों पे मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बट आइडिया ये है कि कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, मतलब अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर आपका कोई फियर है, कोई गोल है, तो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, आप ओवरनाइट तो कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो इसी मैसेज के ऊपर इस वीडियो को एंड करेंगे कि वी हैव टू बिकम रिसोर्सफुल टू एक्चुअली क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग बिगर। अगर आप रिसोर्सेज का वेट करते रहेंगे कि यार मोबाइल अच्छा होगा, कैमरा अच्छा होगा, लाइटनिंग अच्छी होगी, इक्विपमेंट्स, गियर्स अच्छे होंगे, तभी मैं एक्चुअली एक अच्छा कंटेंट या एक अच्छा जो है मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। आई हैव सीन पीपल डूइंग ग्रेट वर्क विदाउट एनी रिसोर्सेज एट ऑल, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। आइडिया ये है कि हम कितने रिसोर्सफुल हैं, हम खुद कितना ज़्यादा जो है वो विलिंग है किसी चीज को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर लेना होगा। डोंट सीक परफेक्शन इनटू समथिंग, परफेक्शन जो होती है ये एक मिथ है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होता है और हर चीज में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेकिंग दिस ट्रैवल सीरीज, इसमें मैंने आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल कुछ जिंदगी की कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, अपने ट्रेनिंग से लेके अपने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी से लेके, तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को देख के मजा आया होगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, कोई कॉमेंट है, आपको कोई फीडबैक देना है, तो आप लाजमी तौर पर इसमें कॉमेंट करके आप मुझे बताएं।
तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये सब कुछ, जो भी कुछ करने का मौका दिया, ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है। मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, बट सिर्फ कोशिश है, और हम इंसान जो है, हम सब कोशिश कर सकते हैं। बाकी रिवॉर्ड देना या उसका आउटकम निकालना, रिजल्ट देना, ये अल्लाह ताला का काम है। तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिया, और आप लोगों का भी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो, तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ के साथ भी कनेक्टेड रह सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।